दिस इज अनुष्का एंड ऑब्वियसली यू वाचिंग अनुष्का फैशन ब्लॉग. कैसे लग रहे हैं मेरे ब्लॉग्स, कैसी लगी मेरी ट्रेवल सीरीज, प्लीज मुझे पहले कमेंट करके बता दो. और हाँ, जिसने मे बी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और हाँ लाइक शेयर कमेंट करके जाना. और आज का टॉपिक तो सबको पता ही है क्योंकि थंबनेल देख के सब जान ही जाते हैं कि आज क्या होने वाला है. और हाँ यार, यूट्यूब पर थोड़ा सा डाउन चल रहा है बिकॉज ऑफ बिग बॉस स्टार्ट हो गया, बिग बॉस OTT 3. आई होप आपके कुछ फेवरेट यूट्यूबर्स और कुछ फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स भी गए हुए हैं वहाँ पे. तो कैसा लग रहा है आपको बिग बॉस OTT सीजन 3? और इस बार तो होस्ट ही चेंज हो गए, अनिल कपूर जी हैं और मे बी सलमान खान क्यों नहीं है इस बार होस्ट, वो तो थोड़े दिन बाद ही पता चलेगा क्योंकि TRP बहुत हाई है इस टाइम जियो सिनेमा पे. तो अगर कोई नहीं देख रहा तो जाके एक बार देख लेना, बहुत सारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स लोगों के गए हुए हैं. और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई छोटी जगह से उठ के जाता है, और बहुत अच्छी चीज़ है कि बहुत छोटी छोटी जगह से फिल्म इंडस्ट्री में लोग एंटर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ वहाँ पे तो नेपोटिज्म और मे बी रिलेशन टू रिलेशन चीज़ें वहाँ पे चल रही थी, बट अब कुछ सोशल मीडिया इतना अच्छा हो गया है जिसकी वजह से छोटी छोटी जगह से लोग वहाँ तक पहुँच रहे हैं, छोटी छोटी गलियों के लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ यू, जो जिसकी भी जो भी ऑडियंस है उसकी वजह से लोग आज तरक्की कर रहे हैं. तो थैंक यू सो मच सोशल मीडिया. और हाँ, बिग बॉस जरूर देखना, मुझे भी कमेंट करके बताना कैसा देख के जाना होगा. तो समझ तो गई होगी क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है बिकॉज ऑफ वेडिंग सीजन्स भी आने वाले हैं. और हाँ, कुछ ना कुछ तो हमारे घर में ही कुछ ना कुछ चलता रहता है, हमें वेट नहीं होता है वेडिंग सीजन का, कुछ ना कुछ तो सबकी फैमिलीज में छोटे छोटे मोटे फंक्शंस तो चलते ही रहते हैं. आई होप चलते रहते हैं और चलना भी चाहिए क्योंकि इससे फैमिली गेट टुगेदर से लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है. बट हम आते हैं अपने मुद्दे पे, जो हमारा मुद्दा था लिपस्टिक क्लिप्स, या हमारे लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद जो क्रैक्स बन जाते हैं वो कितने गंदे लगते हैं. और ये मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम सबके साथ होता है, मतलब बहुत लोग इस चीज़ को फेस करते हैं और फिर बहुत गंदा भी लगता है यार. आप किसी को मतलब देख लो 2 to 3 hours, मुझे तो लगता है आफ्टर 1 hours, आप 1 घंटे के बाद ही या फिर 20 to 15 minutes बाद ही, मुझे लगता है समर में या विंटर्स में आपकी लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद जो क्रैक्स आ जाते हैं ना, वो क्यों आते हैं और क्या रीज़न है उनका आने का और इसको कैसे ठीक करते हैं, चलिए जानते हैं. क्योंकि मेरा ये मेकअप जो है ना, इस टाइम आई थिंक 3 to 4 hours की, मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ 4 PM, हाँ 4 बज चुके हैं, और मैंने मेकअप किया था ये मे बी 11 o'clock हो रहा था क्योंकि मुझे जाना था. फिलहाल तो मैंने सोचा था आज मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि आप लिपस्टिक कैसे अप्लाई करो जिससे आपके क्रैक्स ना बने, बट ठीक है मैं थोड़ा सा ये भी बता दूंगी कि आप अपनी लिपस्टिक लिप्स की केयर कैसे कर सकते हो जिससे आपकी लिप्स डेली बेसिस पे भी थोड़ा सा अच्छे से रहें. मेरी खुद की नहीं रह पाती हैं क्योंकि मैं भी थोड़ा सा अपनी केयर नहीं कर पाती. मैं ये नहीं बोलूँगी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत टाइम है, मैं केयरलेस हूँ ये बोल सकते हैं. आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं तो आप केयरलेस हो ये बोल सकते हो अपने लिए, लेकिन ये नहीं कह सकते मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपने लिए कुछ कर नहीं सकती और फिर मैं बहुत बिजी हूँ, ये स्लोगन यहाँ पे फिट नहीं होता है. आप कितनी भी वर्किंग, कितनी भी अच्छी जॉब में हो, ये स्लोगन यहाँ पे फिट नहीं होता. आप अपने लिए टाइम निकालना चाहो आप निकाल सकते हो, वीक में एक दिन तो ऑब्वियसली बात है, मतलब वीक में एक दिन तो हर कोई अपने लिए निकाल ही सकता है और उतना ही हमारे लिए इनफ भी है. हमें कोई फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं करना है, सिर्फ अपने लिए काम करना है. सो आप एक दिन तो डेफिनेटली निकाल सकते हो यार. ओके, सो फिलहाल तो मैं बता दे रही हूँ, अगर आपको स्क्रब करनी है अपनी लिप्स का तो आप शुगर और कॉफ़ी से कर सकते हो, या फिर नॉर्मली बेसन ले सकते हो, बेसन को शुगर में मिक्स करके हल्का सा मिल्क, कच्चा मिल्क, या फिर आपके पास ना कच्चा भूल जाओ कच्चा मिल्क तो आप मलाई या फिर नॉर्मल मिल्क डाल के उसको पेस्ट बना के आप स्क्रबिंग करो, देखना आपकी लिप्स ना पक्का हाइड्रेटेड तो हो ही जानी है. ओके, सो मैं अपने मुद्दे पे आते, जो मैंने यहाँ सोचा था मुद्दा अपना बनाने के लिए, मेरे पास लॉट्स ऑफ लिपस्टिक्स हैं, बहुत सारी अभी और भी हैं बट मैंने सोचा इतने से ही कम चला लेते हैं. तो सोचते हैं कैसे अप्लाई करें. सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है हमें लिक्विड लिपस्टिक यूज़ करने में. मेरे पास तो बहुत सारी लिक्विड लिपस्टिक्स हैं, ये माई ग्लैम की लिपस्टिक है, ये हमारा छोटे छोटे ब्रांड्स भी हैं और बड़े ब्रांड्स भी हैं. फिलहाल तो मैं छोटे ब्रांड्स ही दिखाऊंगी क्योंकि मेरी ऑडियंस बेसिकली मीडियम क्लास की है, सो मैं मीडियम क्लास की चीज़ें ही दिखाऊंगी. सो ये मेरे पास है सिस ब्यूटी का लिक्विड लिपस्टिक. मैं इन सबके टेक्स्चर्स भी यहाँ पे शो कराऊंगी अभी, क्योंकि लिप्स पे एक एक करके मैं नहीं शो कर पाऊंगी बिकॉज ऑफ फिर वो उतना ज़्यादा आप मुझे देखने
हम अट्रैक्टिव नहीं होंगे फिर इस वजह से. सो अप्लाई करना आना चाहिए. लिक्विड लिपस्टिक्स भी बहुत क्रीमी रहती हैं, बस आपको आना चाहिए. और हाँ, अगर अच्छे ब्रांड्स यूज़ कर रहे हो तो आप डेफिनेटली इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी. बट आप थोड़ा सा लोटस प्राइजेस में अगर यूज़ कर रहे हो तो वहाँ थोड़ा सा हो सकता है कि आपको क्रैकी हो जाती हूँ आपकी लिप्स. बट उसका भी सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा. क्या है सोल्यूशन, देखते हैं आगे. बने रहिए मेरे साथ, जैसे वो बोलती है आज तक वाली, बने रही है. सॉरी, आज तक वाली जैसे नहीं बोलती है. आगे देखिए, बने रहिए मेरे साथ, आगे देखते हैं क्या होता है. अगला एपिसोड बना रहेगा थोड़ी देर, मिलते हैं ब्रेक के बाद. बट यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं होने वाला है, बने रहिए आप, बस आपको देखने को मिलता रहेगा. चलो, ये रहा हमारा मे बी कौन सा कलर इसको बोलते हैं यार, कॉफी कलर. ओके, और ये हमारा है वेलवेट में जो मतलब ऐसा वही जो हमारा ये आता है हल्का सा रेड में, ये हल्का सा रेड कलर. ओह, मैं भी गिरी थी, हमें तो सवारी गिराती थी, इस बार मैं खुद गिरने वाली थी. ओके, तो ये हमारा हल्का सा मैजेंटा कलर बोल सकते हैं मे बी. मुझे ये कलर बहुत पसंद है पर्पल शेड में, और ये डार्क पर्पल. इसका भी मैं टेक्सचर दिखा देती हूँ. ये तीनों कंपनी एक ही है, मैग्लैम की है. सो ये देखो कितना प्यारा है यार, मुझे इसका बहुत प्यारा लगता है टेक्सचर. मुझे लिक्विड लिपस्टिक्स में बहुत बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में बहुत अच्छा है. आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा. हमेशा की तरह आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट लिंक पे टैप करो, आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हो. ओके, तो ये हमारा हो गया माइग्लैम की तीनों लिपस्टिक्स, और ये हमारा हो गया सिस ब्यूटी का. इसका भी टेक्सचर बहुत प्यारा है, ये भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस की है. देखिए कितना प्यारा है, और आप लोग जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, मतलब डायरेक्ट अप्लाई क्लिंक पे जाके कर सकते हो. लिपस्टिक डायरेक्ट अप्लाई नहीं करनी है, उसका मैं अभी बताऊंगी. और ये हमारा है नॉर्मली क्रीमी बेस्ड वाली लिपस्टिक्स, ये भी है. ये हमारा नायका का है, और ये हमारा माइग्लैम का है. ये भी पर्पल, मुझे पर्पल शेड्स बहुत पसंद है, इस वजह से मैं पर्पल ज़्यादा परचेज करती हूँ, पर्पल और कॉफ़ी. और ये हमारा रेडिश में है, छोटे छोटे पैक्स है जो मतलब कैरी इजी टू कैरी हो जाते हैं. जब आप कहीं पर जाते हो तो कैरी करना बहुत ईजी हो जाता है. मैं छोटे छोटे पैक्स रखती हूँ, सारी लिक्विड लिपस्टिक्स ही है. और ये मोस्ट ऑफ द फेवरेट लिपस्टिक मेरी है. इसका टेक्सचर भी मैं दिखाऊंगी. मेरे पास मोस्टली पर्पल और कॉफ़ी कलर से ही हैं. तो ये रहा कॉफ़ी कलर, और ये भी हमारा कॉफी है, जिसका मैं टेक्सचर दिखाना जरूर चाहूंगी, जो मुझे बहुत पसंद है. ओके, इसका एक बार मैं जरूर दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत पर्सनली मुझे बहुत पसंद है ये. आप लोग परचेज कर सकते हो, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है. मे भी मुझे मिली थी 300 अप्रॉक्सीमेट में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप प्रोजेक्ट परचेज कर सकते हो. इसका देखना आप लोग, टेक्सचर बहुत प्यारा है, लिटरली बहुत प्यारा है. कितनी स्मूथ चल रही है ना, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती है. हाँ चलो, फिर सोचते हैं कैसे अप्लाई करना है इसको. चलो ये हमारा हो गया, चलो इसी से स्टार्ट करते हैं. ये हमारी मैट नॉर्मल लिपस्टिक है, मतलब क्रीमी बेस पर लिपस्टिक है. या फिर आप कोई लिप बाम ले सकते हो, कोई कलरफुल लिप बाम हो, या नॉर्मली कोई अच्छा सा लिप बाम हो, लाइक दैट निविया का हो, या फिर और भी बहुत अच्छे अच्छे लिप बाम्स आते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप तो परचेज कर सकते हो वहाँ से. वैसे तो मुझे निविया का ही बहुत पसंद है. वैसलीन में थोड़ा सा ज़्यादा क्रीम होता है, सो आप उसको लिपस्टिक के साथ अप्लाई नहीं कर सकते हो. नॉर्मली आप हल्का सा फाउंडेशन अपने लिप्स पे जरूर लगाया करो, जब भी आप फेस पे अप्लाई करते हो, या बेबी क्रीम हल्का सा लिप्स पे भी लगा लिया करो, जिससे जो है ना आपकी लिपस्टिक लॉन्ग टर्म तक रुकेगी, आई प्रॉमिस. तो हल्का सा आप फाउंडेशन लगाओ या फिर बेबी क्रीम लगाओ, उसके ऊपर लगाओ अपना लिप बाम, बहुत हल्का सा लिप बाम, मतलब नॉर्मली अपने मॉइस्चराइज करने के लिए लिपस्टिक. और हाँ, ये सब करना है मेकअप से पहले. जब तक आप मेकअप करो तब तक आपकी लिप्स जो है ना हाइड्रेटेड हो जाए, और उसके बाद लगाना है आपको ये नॉर्मली क्रीम बेस्ड. देखना, अभी मैं क्रीम बेस्ड जिस पे लिपस्टिक लगा रही हूँ नॉर्मली, ठीक है. अपोज कर लेते हैं हमारी लिप्स है. ये होगी हमारी अप्लाई, ठीक है. ये हमारी अप्लाई होगी, ओके, नॉर्मली अप्लाई होगी. सपोज कर लेते हैं हमारी ये लिप्स ही है, और ये हमारे क्रीम बेस्ड हो गया. अभी मैंने लिप बाम इस पर नहीं लगाया, नीचे इसकी लिक्विड लिपस्टिक. लिक्विड लिपस्टिक थोड़ी सी शाइनी ज़्यादा होती है, और लॉन्ग टर्म तक रुकती है. मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म तक रुक जाती है. और आप इसके ऊपर लगाओगे लिक्विड लिपस्टिक, ओके. इतनी स्मूथ चल रही है, अगर आप इसके ऊपर लगाते हो तो इतनी स्मूथ चलती है ना, इतनी स्मूथ. नॉर्मली आप चलाओ ऐसी चलेगी, ठीक है, यहाँ पे रुक जा रही है. बट आप अगर ऐसे चलाते हो ना तो नॉर्मली बहुत स्मूथ चलने वाली है. तो आप हमेशा कभी भी लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि आप मेकअप करने से पहले या कुछ भी नॉर्मली भी आप कुछ भी करने जा रहे हो ना, फेस वॉश करके आए हो, सबसे पहले अपनी लिप्स को हाइड्रेटेड करनी है, मतलब अपनी लिप बाम यूज़ करना है. डायरेक्ट लिपस्टिक कभी नहीं अप्लाई करनी है. और हाँ, अगर आपकी नॉर्मल अगर ऐसे ही है कि आपको 2-3 आवर्स में रिमूव भी हो जाती है बहुत सारी लिपस्टिक, बट आप जो मैंने ब्रांड्स बताए अगर आप इनको यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपकी तेजी नहीं रिमूव होगी, जब तक आप रिमूव करोगे नहीं.
नहीं. ओके सो आप जा सकते हो उसके साथ. आप पहले आपको क्या करना है, अपना फेस वॉश करके अपनी लिप्स को हाइड्रेटेड करना है, मतलब लिप बाम यूज करना है. उसके बाद क्रीमी बेस्ड वाली लिपस्टिक यूज करनी है, देन आपको लिक्विड लिपस्टिक यूज करनी है. आप देखोगे डिफरेंस अपनी लिप्स पे भी, जो आपकी क्रीमी लिप्स लगेंगी, जो आपकी क्रीमी लिप्स लगेंगी, और हाँ वो डेफिनेटली बहुत ही हाइड्रेटेड लगेंगी. और हाँ देखिए सारा फेस का लुक ना मोस्ट ऑफ द टाइम लिपस्टिक से ही आता है, मुझे तो ऐसा लगता है. आप कुछ भी कर लो ना, कितना भी अच्छा मेकअप कर लो और या फिर कुछ भी ना करो, नॉर्मली मैं तो नॉर्मली अगर कहीं भी निकलती हूँ घर से बाहर या कुछ भी कहीं भी, तो बेसिकली मैं यूज़ करती हूँ लिपस्टिक. आई थिंक सभी गर्ल्स हों या फिर वुमेन्स हो, सारे जो मम्मा हो या फिर बोल सकते हैं न्यूली मैरिड्स हो, वो भी अगर मेकअप ना कर पाए ना, तो फिर उनका सीन यही रहता है जस्ट लिपस्टिक लगाओ और निकल लो. तो सबसे अच्छा तरीका होता है लिपस्टिक लगाने का, आप सबसे पहले थोड़ा सा डिहाइड्रेट, मतलब हाइड्रेट कर लो अपनी लिप्स को लिप बाम लगा के और क्रीमी बेस्ड वाली लिपस्टिक लगा के, देन आप लिक्विड लिपस्टिक लगाओ. वो थोड़ा सा रिमूव भी थोड़ी देर में होगी और डेफिनेटली वो वैसे ही बनी रहेगी, क्योंकि आपकी लिप्स के नीचे ना डायरेक्ट नहीं अप्लाई है वो, तो हल्का सा क्रीमी बेस रहता है लिप्स के नीचे, मतलब बेस रहता है. जैसे आप डायरेक्ट फाउंडेशन नहीं अप्लाई कर सकते, उससे पहले अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करते हो, उसके बाद सीरम वगैरह लगा के और नॉर्मली जो हम लगाते हैं, मतलब मेकअप करने से पहले जो हम टिप्स यूज करते हैं, सबसे पहले हम लोगों को लगाना होता है वही मॉइस्चराइजर, उसके बाद सीरम और उसके बाद प्राइमर, और फिर हम जाके फाउंडेशन अप्लाई करते हैं, फिर बीबी क्रीम अप्लाई करते हैं. देन वही फंडा थोड़ा सा लिपस्टिक के साथ भी रखना चाहिए, अपनी लिप्स के साथ भी रखना चाहिए, बिकॉज ऑफ वो भी हमारी स्किन का ही पार्ट है, वो कुछ अलग नहीं है हमारी स्किन से, वो भी हमारी स्किन का ही पार्ट है. तो इतना ध्यान रखना चाहिए यार, करेगा या फिर इतना सब कुछ कौन करेगा. तो यार आपको अगर अच्छा दिखना है ना, तो फिर करना ही पड़ेगा. फिर आप क्यों सेलिब्रिटीज को देख के या फिर किसी अच्छे इंसान को देख के कहते यार इसका अच्छा लग रहा है, इसने कैसे लगाया होगा, या फिर इनका नियर ट्राई यार हमारा क्यों हो जाता है. फिर आप अगर इस तरीके की बातें करते हो, तो फिर वो भी गलत है. अगर आप इस तरीके की बातें कर रहे हो, अगर आपको सच में अपने लिए आपको भी अच्छा दिखना है ना, तो आपको थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी. लिटिल बिट मेहनत सब करते हैं अपने लिए, क्योंकि अगर आपको अच्छा दिखना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंट लाना है, और हाँ आप सबसे अच्छी चीज है अगर आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो और आप अच्छे से अपनी लैंग्वेज अच्छी यूज कर रहे हो, और हाँ सबसे बड़ी चीज अगर आपको अच्छे अट्रैक्टिव बॉडी आपकी है, तभी आपको कोई आपसे अट्रैक्ट बहुत जल्दी होगा. वो गंदे सीन में अट्रैक्टिव वाला अट्रैक्ट नहीं, इन द सेंस आप कहीं भी अच्छी पार्टीज में जाते हो या फिर कहीं भी जाते हो, तब तक आप गुड लुकिंग नहीं हो ना, दावे से बता सकते हो इतनी जल्दी आपसे कोई बोलना पसंद नहीं करेगा. अगर आप अच्छे से गुड लुकिंग हो, आपका आपके अंदर मैनर्स हैं, आप अच्छे दिख रहे हो, तो डेफिनेटली आपसे जो नहीं भी बोलना चाहेगा ना, वो भी एक बार पूछेगा और बताओ भाई कैसे हो. सो ये चीज़ तो अपने अंदर रखनी चाहिए. अगर आपको थोड़ा सा अच्छा दिखना है, गुड लुकिंग दिखना है, तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी. और आई थिंक मुझे तो लगता है करनी भी चाहिए, कि आज का जो टाइम आ रहा है ना, वो सबसे ज़्यादा डिपेंड है कि आप किस तरीके से अपनी अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो. अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है ना, तो देन आप कुछ भी हासिल कर सकते हो. चलो यार मुझे तो बस इतना ही बताना था कि आप अपनी लिपस्टिक कैसे अप्लाई करो जिससे आपकी लिप्स में क्रैक्स ना आए और आपको ये कुछ फेस ना करना पड़े, कुछ ऐसा गंदा सा फेस ना करना पड़े. मुझे बस जस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन देनी थी, बाकी तो मैं अगर बोलने पे आ जाऊँ तो मैं 2-3 घंटे लगातार बोलती रहूंगी और बट आप बोर हो जाओगे, पर मैं बोलने से नहीं थकने वाली, क्योंकि बहुत हैबिट है मुझे बोलने की और लोगों को बैठाए रखने की. ये मैंने बहुत किया है अपने कॉलेज टाइम में कि मैं बोले, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत हैबिट भी है बोलने की. सो ओके गाइस, मैं इस वीडियो को यही एंड करती हूँ. मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ और एक और तड़कती बड़कती वीडियो के साथ. बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आपको कैसे लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना. ओके बाय, मिलते हैं फिर एक और तड़कती बड़कती वीडियो के साथ. बाय.